नमस्कार, मेरे इस चैनल शेयर नॉलेज पुणे में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। जी हाँ, मात्र 143.85 रुपये का ये शेयर है। इस शेयर का वन डे का चार्ट देखिए, 5 डेज का चार्ट देखिए, 1 मंथ, 6 मंथ YTD और इसका 5 ईयर का चार्ट देखिए और इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए। जी हाँ, इस शेयर में ग्रोथ है, इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है हाईटेक पाइप लिमिटेड। जी हाँ, मात्र 143.85 रुपये का ये शेयर है। इस कंपनी का हम फंडामेंटल देख लेते हैं। इस आप देख सकते हैं, इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 2,142 करोड़ के आसपास का है, जो कि काफी शानदार है। वहीं इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये का है। करंट मार्केट प्राइस 143 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 170 रुपये, वहीं 52 वीक लो 73 रुपये के आसपास का है। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाईटेक पाइप बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ERW स्टील राउंड ऑफ सेक्शन पाइप। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये स्टील के जो पाइप होते हैं उसमें ये मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पास डेट भी है 366 करोड़ के आसपास का। इस कंपनी का हम जब चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये कंपनी 200 DMA के ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 200 DMA का जो है, मतलब यानी डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो एक इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। इसके बाद इस कंपनी की जो पीयर कॉम्पिटिटर कंपनियां देख लेते हैं, तो देख सकते हैं ये इसकी पीयर कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं। इसके बाद इस कंपनी का जब हम क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं तो आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने 11 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है, वहीं पिछले क्वार्टर में 14 करोड़, 11, 8, 18, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने हर एक क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। वहीं इसके बाद इस कंपनी का जब हम ईयरली प्रॉफिट देखते हैं तो आप देख सकते हैं इस साल कंपनी ने 44 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है, वहीं पिछले साल 38 करोड़, 40 करोड़, 23, 20, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने हर एक साल में अपने प्रॉफिट को इंक्रीज भी किया हुआ, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन बन जाते हैं इस कंपनी के लिए। इसके बाद कंपनी के रिजर्व देखते हैं तो आप देख सकते हैं 581 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, वहीं 366 करोड़ के आसपास का डेट भी है। ठीक है, और कंपनी का प्रमोटर देखते हैं तो आप देख सकते हैं 50% प्रमोटर का हिस्सा। जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रमोटर हिस्सा जब देखते हैं तो आपको देखना होता है कि कम से कम 50% के ऊपर प्रमोटर हिस्सा होना जरूरी है। अगर 50% से नीचे है तो आपको उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस पर थोड़ा स्टडी जरूर कीजिएगा। आप इसमें देख सकते हैं इसमें FIS और DIS भी काफी मात्रा में इन्वॉल्व है। तो देखते हैं कौन कौन सी कंपनियों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे HSBC स्मॉल कैप फंड ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, बंधन माइक्रो कैप फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरह से बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है। आपको एक बात पता होना चाहिए, जब भी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है तो उनका एक मोटिव रहता है कि ये शेयर आने वाले समय में अच्छे खासे रिटर्न दे सकते, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन बन जाता है इस कंपनी के लिए। ठीक है, कैसे अभी मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ, तो आप देख सकते हैं हाईटेक पाइप लिमिटेड का शेयर है 143.96 रुपये का है। आज के दिन इसमें 2 रुपये की गिरावट हुई है। जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आग बंद करके इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, एक बार हर एक डिटेल को बारीकी से चेक करके उसके बाद ही आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% लोग इस शेयर को बाय करने के लिए अपनी राय दे रहे हैं। जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बार कम्युनिटी सेंटिमेंट जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि जो शेयर आप बाय करने जा रहे हैं उसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, कितने परसेंट लोग इस शेयर को बाय करने के लिए अपनी राय दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% लोग कह रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन बन जाता है। अब इसके बाद इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर हम आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये कंपनी की वेबसाइट है। ठीक है, हाईटेक पाइप लिमिटेड, तो देखिए इस तरह से ये पाइप को मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, देख इस तरह के जो पाइप हैं यहाँ पे आपको दिखाई जा रहे हैं, तो उसके इसमें प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, अब इस कंपनी के जो क्लाइंट देखते हैं तो आप देख सकते हैं काफी बड़े बड़े इस कंपनी के क्लाइंट हैं। इनके प्रोजेक्ट देख लीजिए, रेलवे प्रोजेक्ट है, 5G टावर प्रोजेक्ट में ये काम करती है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में ये कंपनी काम करती है, तो काफी बड़ी कंपनी। उसके पास कंपनी के क्लाइंट देख लीजिए, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट हैं। आप देख सकते हैं हर एक कंपनी, पावर ग्रिड, NTPC, गेल, सेल, टाटा, ऑयल इंडिया, तो ये बड़े बड़े इस कंपनी के क्लाइंट है। तो आने वाले समय में ये कंपनी अच्छे रिटर्न दे सकती है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद इस कंपनी का जब हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस कंपनी का एक सपोर्ट है 138 के आसपास, एक सपोर्ट है। आज के दिन थोड़ी गिरावट हुई है, तो जैसे ही ये शेयर 138 के आसपास आपको मिलता है तो आप इसमें एंट्री लेके रख सकते हैं। ठीक है,
फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। थैंक यू गाइस।